अरारोट होता है, ये दोनों में कोई आप ले सकते हैं, फेविकॉल, बेनेगर, सब यहीं पे ले सकते हैं। ठीक है, वेनेगर, वैसलीन, कोई सा भी ऑयल लेंगे आप, ऑलिव ऑयल, कोकोनट या सफोला जो रिफाइंड, कोई सा भी बेबी ऑयल जो भी आपके पास हो, और ग्लिसरीन, ये हमारा मटेरियल। क्या बोल रहे हो? इधर आ, और एक जो हमारा चाहिए वो वैक्स चाहिए। हर किसी के पास वैक्स नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, कैंडल लेंगे, जिसके पास इस टाइप से कैंडल है वो लेंगे, इस तरह से कैंडल। कैंडल तो हर किसी के घर में होता ही होता है, तो अभी जो मेरे पास कैंडल है वो ए वाली है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हाफ कप हमें कॉर्नफ्लोर लेना है, हाफ कप। ये जो मेरा कप है, आप एक कप ले सकते हैं, पर हम जो बता रहे हैं वो हाफ कप से, क्योंकि ज्यादा क्ले हो जाएगा फिर तो हम, इसलिए जो हम अगर आप ज्यादा बनाना हो तो इसका डबल ले लीजिए। ये हाफ कप है, ये देखिए, ये हाफ कप। हाफ कप है, हाफ कप हमें कॉर्नफ्लोर लेना है। कॉर्नफ्लोर हमें बहुत ज्यादा भर के भी नहीं लेना और कम भी नहीं लेना है। हमें क्या करना है, कॉर्नफ्लोर कैसे लेंगे, दरवाजा बंद करो, कॉर्नफ्लोर जो लेंगे हम, कॉर्नफ्लोर क्या करना है, हमें इस तरह से लेना है और इसको क्या करेंगे, इस तरह से ऐसे बराबर करके हमें ये इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे, इस तरह से ये। हाफ कप कॉर्नफ्लोर लेंगे, हाफ कप हम फाविकॉल लेंगे, बंद करो। फाविकॉल यहाँ पे हम एमआर लेंगे, फाविकॉल आप इसमें कोई सा भी ले सकते हैं। फ्लेक्सिबल क्ले बनाने के लिए आप फेविकॉल कोई सा भी यूज कर सकते हैं। मेरा फेविकॉल नहीं लगता है, खत्म हो गया। जितना कॉर्नफ्लोर उतना ही हमें फेविकॉल लेना है, जितना हम कॉर्नफ्लोर लेंगे उतना ही फेविकॉल लेंगे। चम्मच ले, ठीक है।
अब हमें क्या करना है, एक एक अपना सामान इसमें डालना है और मिक्स करते जाना है। ये फ्लेक्सिबल क्ले जो बहुत बड़ा बड़ा सा जो फ्लावर होता है, सबसे ज़्यादा ये फ्लावर बनाने के काम में आता है। सबसे ज़्यादा हम इसको क्या करते हैं, फ्लावर इससे बनाते हैं, फ्लेक्सिबल क्ले से, जो बहुत बड़ा बड़ा साइज होता है, बहुत बड़ा बड़ा साइज, वो हम इससे बनाते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, वैसलीन लेना है। उसके बाद हम ये कैंडल को क्या करेंगे कि हमें कॉर्नफ्लोर, फेविकॉल, उसके बाद हमें विनेगर लेना है। उसके बाद हम कैंडल जो लेंगे, ये वैक्स जो लेंगे, कैंडल वैक्स, ये हम सबसे लास्ट में लेंगे। हाफ विनेगर लेंगे, हाफ टीस्पून लेंगे, ये हमारा हाफ टीस्पून है, ये देखो हाफ टीस्पून हम विनेगर लेंगे। फिर इसको हम मिक्स करेंगे। अब हम क्या करेंगे, 1 टीस्पून वैसलीन लेंगे, 1 टीस्पून वैसलीन लेंगे। तो वैसलीन जो हम लेंगे वो इससे हम हाफ है तो दो बार लेंगे, ये इस तरह से बराबर करेंगे, ये इस तरह से। ये हाफ हो गया और ये हो गया हाफ। हाफ विनेगर और 1 टीस्पून वैसलीन लेंगे हम। उसके बाद हम 2 टेबल स्पून लेंगे, टेबल स्पून ग्लिसरीन लेंगे, 2 टेबल स्पून। ये 1 टीस्पून है, टेबल स्पून कहा गया, एक मिनट, 1 टेबल स्पून, ये 1 टेबल स्पून ग्लिसरीन लेंगे, ये ठीक है। हाफ टीस्पून ऑयल लेंगे, हाफ टीस्पून। हाफ टीस्पून वैक्स भी लेंगे इसमें, हाफ टीस्पून हम वैक्स लेंगे। वैक्स को क्या करेंगे, पहले इसमें से हम निकालेंगे,
हाफ टीस्पून ये वैक्स है, हाफ टीस्पून वैक्स लेंगे। हाफ टी स्पून वैक्स को क्या करेंगे, पहले इस तरह से इसमें ये हम करेंगे और ये बहुत बारीक हाफ टी स्पून लेंगे इसको। उसके बाद हम इसको मिक्स कर देंगे। अब हमें क्या करना है, ये इसमें क्या क्या हम लिए एक बार फिर से आप लोग को बताते हैं क्या क्या इसमें मिक्स हुआ। हाफ कप कॉर्नफ्लोर फेविकॉल हाफ कप लेंगे, कैंडल वैक्स हाफ टी स्पून, विनेगर हाफ टी स्पून लेंगे, वैसलीन हाफ वैसलीन 1 टी स्पून लेंगे, ग्लिसरीन 2 टेबल स्पून लेंगे और ऑयल हाफ टेबल स्पून लेंगे, टी स्पून लेंगे। ठीक है, अब हम इसे मिक्स करके अब हम इसे क्या करेंगे, इसे हम गैस पे नहीं पकाएंगे, इसे हम माइक्रो में पकाएंगे। 30 सेकंड तक हम चलाएंगे माइक्रो में। उसके बाद हम क्या करेंगे कि फिर इस तरह से मिक्स करेंगे। 30 सेकंड के बाद हम इसको मिक्स करेंगे 30 सेकंड बाहर निकाल के। उसके बाद फिर 30 सेकंड हम सिर्फ माइक्रो चलाएंगे और उसके बाद हम इस तरह से 3 से 4 बार करेंगे। ये आपका जो ये रहेगा जो आप माइक्रो में डालोगे वो कितना मोटा पतला होगा उसके हिसाब से आपका 3 से 4 बार हमें इसी तरह से चलाना होगा। 30 सेकंड सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड हम माइक्रो में चलाएंगे और फिर हम 30 सेकंड तक बाहर मिक्स करेंगे इसी तरह से। फिर 30 सेकंड माइक्रो में करेंगे, 30 सेकंड हम माइक्रो से बाहर निकाल के करेंगे। एक ही बार में हम 2 मिनट पे नहीं चलाएंगे। और जिसके पास माइक्रो नहीं है वो कैसे बनाएंगे, वो क्या करेंगे, फ्लेक्सिबल क्ले वो कांच में नहीं बनाएंगे, वो क्या करेंगे कढ़ाई में, कढ़ाई को गर्म होने देंगे, किसी भी बर्तन को गैस पे चढ़ाएंगे उसे गर्म होने देंगे। ठीक है, उसमें हम जो बर्तन उसमें आ जाए उसमें हम डालेंगे और गैस पे हम उसको 15-15 सेकंड करके आराम से पकाएंगे। पर हमें उसमें पकाते समय क्या करना है कि हर 30 सेकंड पे उसको मिक्स करना है गैस पे भी, हम डायरेक्ट गैस पे नहीं चढ़ाएंगे इसको, सीधा गैस पे चढ़ा के हमें नहीं पकाना है। किसी भी बर्तन में पहले हम डालेंगे उसको, जैसे सबसे पहले हम क्या करेंगे इस तरह से अपना गैस पे रख देंगे। जब ये हल्का गर्म हो जाएगा उसके बाद हम अपना ये क्ले रखेंगे और उसको बार बार हम मिक्स करेंगे। ठीक है, अभी दिखाते हैं इसको पकाने के बाद कैसा ये तैयार होगा। ये हमारा 30-30 सेकंड पे 3 बार चलाने के बाद ये ऐसा गर्म है, ये ऐसा कंप्लीट हुआ ये। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको हम आटे के जैसा, वो कोई भी बेबी लोशन से हाथ में लगाएंगे, अगर बेबी लोशन नहीं है तो आप वैसलीन भी लगा सकते हैं। कोई भी बेबी लोशन लेंगे और हम इसको आटे के जैसा अच्छे से मिक्स करेंगे। हम
क्या करेंगे, पहले थोड़ी सी इस तरह से हम लोशन लगा लेंगे और हम इसमें ये आराम से निकल जाता है, ये इसको हम अच्छे से गूंद लेंगे, बेबी लोशन लेंगे थोड़ी सी और हल्का हम इसे गर्म गर्म ही गूंदेंगे, ठंडा करके नहीं मिक्स करेंगे। ये खुला प्लास्टिक जिप बैग, हाँ वह नीचे नहीं है, इसमें कलर ऑयल या एक्रेलिक दोनों में कोई सा भी आप मिक्स कर सकते हैं। इसको वही जो बाकी क्ले में बताए हैं 4 से 5 घंटे बाद ही आप इसे यूज करेंगे इस तरह से। उसके बाद हम क्या करेंगे, वैसलीन लेंगे, बेबी लोशन या बॉडी लोशन, और खोलो इसको, कोई भी हम टाइट बैग में इसको डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद हम किसी भी ठीक है इस तरह से हम इसे रखेंगे। देखो डबल लो, इसमें से डाल दो अच्छे से सब एक एक साइड करके। उसके बाद ये जो हमारा खराब जगह डालो, इसको जब हम 5 से 6 घंटे बाद जब हम इसे इस पे काम करेंगे कलर लेंगे, ठीक है, ये एक्रेलिक कलर है, कलर ज्यादा नहीं लेंगे, बहुत जरा सा ही कलर लेंगे। जब हम कलर बना लेंगे कलर के लिए, उसके बाद हमें क्या करना है, हल्का सा हम वैसलीन लेंगे हाथ में और उसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, फिर गोले बना लेंगे ये, ठीक है ये, ठीक है ये हमारा फ्लेक्सिबल क्ले। ये क्ले जो है ये आपका